तो दोस्तों, मैं हूँ दिनेश, आपका मेरे YouTube चैनल पे आप स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं अपना ये काइड मार्केट जो होती है, अपनी काइड मार्केट है अपनी दिल्ली में लाल कुआ। तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं, तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, कितने का क्या पड़ता है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा। और हो सके तो हम किसी दुकान में जाके उनसे पूछेंगे और प्राइस वगैरह पता करेंगे। आपको बताया हम काइड मार्केट जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या ऑप्शन बताएंगे कि क्या क्या वहाँ पे कितने की चीज़ें क्या मिलेंगी। तो अभी ये फ़िलहाल हम अपनी राइड पे हैं, चल आप थोड़ा राइड के एंजॉय कीजिए और थोड़े सिनेमैटिक भी एंजॉय कीजिए। हमारा एक भाई है, बहुत अच्छी राइडिंग करता है, KTM राइडर है। चलो हल्का सा उसका हेलमेट दिखा देते पीछे से, वो शर्माता है कैमरे से आगे ने। तो एंजॉय टाइम लैप्स। दोस्तों, ये बड़ी ख़तरनाक राइडिंग करते हैं, मैं तो वैसे इनको बोलता हूँ भाई मत चलाया करो, लेकिन ये थोड़े प्रोफेशनल हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। मुझे भी कहते रहते हैं बाइक ले लो, KTM वगैरह, चले करेंगे घूमने, भगाया करेंगे गाड़ी। मैंने कहा ना भैया, बाकी आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है पता नहीं, विंड नॉइज़ भी आपको बहुत आ रही होगी, पता नहीं ये बाइक इस पर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बाकी लीनिंग भी अच्छी है, देखो क्या लीनिंग है भाई, एक नंबर लीनिंग करता है यार, एक नंबर लीनिंग। तो भाई इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डालते रहते हैं भाई। तो भाई ने पहले भी वाले ही लंका लगा दी है भाई। तो भाई रुक जा, ए भाई बस बस उसको आने दे रे बाबा, हम मैंने दी के बाद भी सुनेगा रे यार, अपना पहला प्यार है। रुको राइडर भैया, हाँ हाँ साउंड है, आ जाओ भैया आ जाओ, रहने ली वाला, चलो खाते हैं इसको क्या रहने दो। तो गाइस वहाँ जा रहा वो बंदा, थोड़ा आगे करियो, रहने दे बाबा, जान दे उसको, ये भाई कह रहा अब हो गई रेस, मैं कह रहा हूँ रहने दे वो जा रही पहले। तो गाइस ओह माय गॉड, देख रहे हैं पैनली का साउंड, देखो ये मेरा पहला प्यार था, मेरा ही मन करता है थोड़ा बहुत कभी कभी बाइक खरीदने का, लेकिन अभी थोड़ा पैसे की दिक्कत चल रही है। चलो आप इंजॉय करो, थोड़े टाइम लग डालता हूँ इसके भी। जान दे हाँ, चलो यार चलते हैं अब घर नहीं, सॉरी जहाँ पे हम जा रहे थे अपना लाल गोवा। बहुत रेस हो गई यार, ये भैया ना हमारे चार्ज हो जाते हैं बस, क्या करें, KTM राइडर जो हैं भैया हमारे, भाग गया वो यार, सुपर बाइक है यार, मैंने फ़ोन खींच जाएगा यार, रेस लगी गई यहाँ, क्यों पागल ही हो जाएगा। पहली राइडर बेचारा कह रहा है कौन आ गए भाई, कौन है, कहाँ से आते हैं बोले वो थोड़ा जाम लग गया, हट जाइए। ओह माय गॉड, वेयर इज बनेली, बनेली तो गायब ही हो गई चाचा, वो भाग रहा, वो वहीं जा रहा है, वो कोई नहीं, अगर वहीं जा रहा है तो हम भी वहीं चलते हैं उसके साथ साथ। दोस्तों हम आ चुके हैं काइड मार्केट लाल कुआ, हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ बाय बाय करेंगे, कुछ सामान वामान लेंगे। सामने आपको देखी गई होंगी ये पतंग की दुकानें, ये बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। बाकी आप देखो यहाँ भी पतंगें बिक रही हैं, काफ़ी जगह ही है पतंगे वगैरह बिक रही हैं अपनी, काफ़ी सारी दुकानें हैं लाल गोवा में। हमने भी एक दो चीज़ें आइटम लेंगे अपने लिए 15 अगस्त के लिए, मैं भी थोड़ा देखता हूँ कुछ पसंद आया तो लूँगा। यहाँ पे आप आ सकते हो, दिल्ली 6 में पड़ती है ये जगह, लाल कुआ बोलते हैं वैसे इसको। देखो कितनी बड़ी बड़ी पतंगे हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी पतंग है भाई, यार पता नहीं मैंने कभी उड़ाई नहीं, थोड़ी उड़ाई है, इतनी बड़ी पतंग कभी नहीं उड़ाई, मजा गाली नहीं। अच्छा भाई थोड़ा पैदल वालों को भी रास्ता दो, ये देख सकते हैं आप पूरी मार्केट है, पूरी मार्केट है अपनी पतंग वतंग की, मांझे की, आप कुछ भी बाय कर सकते हो। ये देखिए यहाँ भी काफ़ी अच्छी अच्छी पतंगें मिल रही हैं, तिरंगा वगैरह,
टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए, मैं बीच में थोड़े टाइम लैप्स डाल देता हूँ। बहुत बड़ी मार्केट है, आप देखो यहाँ पे बहुत सारे मंजे हैं, बहुत सारी काइट्स हैं। मतलब 5 रुपये से आपने काइट स्टार्ट हो जाएगी आपकी, 5 रुपये हैं। हाँ बहुत हैं। कौन कौन सी ली हमने, कितनी पतंग हो गई हमारी? चार चार आठ, चार बारह, चार सोलह, चार बीस, चार 24 पतंग हैं। सही है, 24 पतंग हमने बहुत है, इतनी बढ़ा भी नहीं पाएंगे। बाकी भाई की दुकान है लाल कुआ में, काफ़ी अच्छी अच्छी पतंग देता है। हमने थोड़ी पतंग वतंग ले ली है, शॉपिंग कर ली है, काफ़ी सारी पतंग ली है, बताऊंगा कितनी क्या मिली। बाकी बड़ी पतंग ले लो, बड़ी देखते हैं और भी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, और कुछ सामान लेते हैं हम। हाँ ले लेते हैं। नहीं यार इतनी बड़ी पतंग बहुत है, मज़ा आ जाएगा। बाकी देख सकते हैं मार्केट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमने पतंग ली एक जगह, ये भाई बता रहा है हमारा कि मंजा लेके आएंगे प्लास्टिक का। अंदर तिरंगा है बड़ा वाला, कहाँ पे? फुल साइज बड़ा मंजा भी ले लिया है, भाई कह रहा था एक दो कैंडल भी ले लें, तो कैंडल ली है, अब वो भी जाके लगाएंगे। पतंग वतंग देखेंगे, चेक करेंगे, बाद में आपको प्राइस वगैरह बताऊँगा मैं। लेकिन बाकी मार्केट में बहुत रश है, मैं गया अंदर, बहुत रश है भाई। ये भैया सर्दी भर रहे हैं क्या था, फास्ट चल रही है मशीन, चरखरी में भरवा रहे हैं सद्दी भाई ये कितने का? 50 और 60। तो भाई जब ये हमारी चरखड़ी में सद्दी भरेगी, हमने एक चरखड़ी ली है और एक सद्दी ली है। अपनी शॉपिंग हो चुकी है ख़त्म। हम जहाँ मांजा लेने गए थे वहाँ एक भाई वो शर्मा रहा था कैमरे से, और ना वो मंजा दे भी नहीं रहा था। तो हमने एक मंजा लिया, लेकिन वैसे वो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, क्योंकि प्लास्टिक का मंजा है, प्लास्टिक का मंजा हम मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हमारी शॉपिंग हो चुकी है डन, हमने ले लिए पतंगे और मंजा वंजा सब ले लिया है, चटखड़ी वटखड़ी। और अब हम जा रहे हैं घर, और आपको बताऊँगा मैं क्या क्या हमने कितने कितने का परचेज़ किया और कितने का हमारे को पड़ा। यहाँ पे आने का ये बेनिफिट, आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं सस्ती और क्वालिटी बेटर मिल जाती है। चलो हमारी बाइक आ गई है, हम आ चुके हैं अपनी छत पे, अपने हम दूसरी छत पे आए हैं पतंग उड़ाने। जैसे मैं आपको बता रहा था, हमने एक ये चढ़खड़ी ली थी, इसमें हमने सद्दी भरवाई है, यानी कौन सी सद्दी है, सूत वाली। ये हमें पूरा 100 रुपये का पड़ा था, बाकी हमने 400 रुपये का एक ये भी लिया है। बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ये प्लास्टिक का मंजा है, कहाँ पे ली कटता उड़ता है नहीं, इससे और पक्षी पक्षी के भी काट सकते हैं, तो मैं मना ही करूँगा। ये हमारे भाई हैं, ये इन्हीं को ही पसंद है। और बाकी हमारी थोड़ी पतंगें ली हमने, तो ये हमें पड़ी 210 रुपये की। इसमें ये है देखो, ये छोटा साइज़ है, ये है आपका 7 रुपये का। फिर ये ब्लैक में, ये भी 7 रुपये वाला साइज़ है, ये है थोड़ा बड़ा साइज़, ये पड़ेगी आपको 10 रुपये की। इसमें हमारे काफ़ी सारे पैटर्न लिए हमने, तिरंगा और अपना ये वाला पैटर्न है, एक पैटर्न अपना ये भी है। तो हमने टोटल ज़्यादा नहीं, हमने थोड़ी 800 रुपये की शॉपिंग करी और 800 रुपये हमने इतना सारा सामान ले लिया। तो आप भी जा सकते हैं और ख़रीद सकते हैं वहाँ पे जाके। और वीडियो आपको कैसी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आई होप आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो। और यहाँ देखो अभी पतंगें उड़ रही हैं, एक दो मैं शॉर्ट्स डाल दूँगा अभी, पतंग उड़ाएंगे थोड़ा काटेंगे, लेकिन आज नहीं, बाकी हम 15 अगस्त को उड़ाएंगे।